एक स्कॉलरशिप ऐसे में जिस पर इसका प्रॉफिट फाइल टाइप करो आज का दिन आपको पता होगा कि हर एक बशर है, मगर आज का दिन इंसान बनाता है। इंसान बुनियादी तौर फितरतन मदद करना चाहता है, बीमार हो मदद करना चाहता है, दुख में हो तो मदद करना चाहता है। बुनियादी तौर आज के दिन का मकसद भी है, खून तो देना ही देना है और ये ज़रूरत है, इससे इंसानी जान बच जाती है, मगर इंसान की जो फितरत है लोगों की मदद करने के लिए, उस फितरत को उजागर करने की ज़रूरत है। और उस सिलसिले में आज जो आपने देखा नौजवान सामने आ रहे हैं, यहाँ बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके रजिस्ट्रेशन के बगैर भी लोग आ रहे हैं, ये इस चीज़ का इंडिया है कि लोगों में मोहब्बत शफकत और लोगों को मदद करने की जो जज्बा है उसको उजागर हो गया। देखिए हमदर्दी का जज्बा, मैं अभी कह रहा था कि पहले जहाँ तक खून देने का ताल्लुक है, अगर आप अखबार में देखेंगे या रेडियो पर अनाउंसमेंट देखेंगे तो लोग दौड़ते हैं आज अस्पतालों की तरफ खून देने के लिए। इंसान को बचाने का जो जज्बा है ये बहुत अहम है और ये जज्बा उजागर होता जा रहा है। देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम होता है। सबसे पहले जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसने हर हमेशा इस कैंपों का हर जगह ये कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेट कैंप्स, और उसमें ज़्यादातर हमारा जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर है शबीर अहमद साहब, शबीर हुसैन साहब, जिन्होंने हर हमेशा अपने बाजू इसके लिए तैयार रखे और लड़कों को भी तैयार किया। आज आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ जोग दर जोग लड़के ब्लड डोनेट के लिए देने के लिए आ रहे हैं, ताकि यहाँ जो एक मसला है हमारे जो पेरिफेरीज एरिया है जहाँ पर कैजुअलिटीज़ होती हैं कभी कभी, आपको तो पता है हम टर्माइल में पिछले 71 साल से रह रहे हैं, तो मसला है वहाँ जहाँ तक उनका ब्लड जो लॉस होता है उनका कॉज वो डेथ बनता है, तो उस सिलसिले में हम ब्लड उनको अवेलेबल वहाँ पर भी रख सकते हैं। जो इसी तरीके से जब कैंप्स होंगे तब जाके ब्लड्स अवेलेबल रह सकते हैं। शबीर साहब ने हमारे 174 इन्होंने आज तक डोनेट किए हैं, इनके दूसरे गुलाम हसन साहब उन्होंने तकरीबन 74 पॉइंट्स डोनेट किए हैं, उसके बाद हमारे हबीबुल्ला साहब उन्होंने 32, मुश्ताक अहमद जो हमारे अली कदल के उन्होंने 19 पॉइंट्स, इसी तरीके से 10-15 जो लोग हैं जो इनमें ज़्यादातर हिस्सा ले रहे हैं उनके जज्बे से, जो बाकी जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उनकी जज्बे से यहाँ पर आते हैं और अल्लाह की राह के लिए अपना ब्लड वक्फ करते हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले बेचारों को। आप देख लीजिए हर दिन आप खुद मीडिया से वाबस्तगी रखते हैं, कितने ग्रुपों में आते हैं कि अब फलानी पॉइंट फिस्तानी पॉइंट हमें ज़रूरत है, इसके लिए हमें फराहम कीजिए ब्लड, तो उस मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ब्लड कैंप्स जारी रखे हैं। तो इंशाल्लाह जब भी हमसे मौका मिलेगा हमारी जितनी भी ज़रूरत होगी कौम की, इन ऐसे नौजवानों को अप्रिशिएट गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए ताकि इनकी अप्रिसिएशन हो, ताकि उस अप्रिसिएशन से लोगों में एक जज्बा और नया वलवला पैदा हो, जिस तरीके से, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। अगर किसी को इनका ब्लड ज़रूरत लगे या हमारा ब्लड ज़रूरत लगे तो ये सबसे बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ने हमें इनके इस रास्ते के लिए चुना है और हर हमेशा हम ये करते रहेंगे। सर मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट, हमारा यहाँ सीनियर वॉलंटियर है शबीर हुसैन खान, जिसने 174 बार ब्लड डोनेशन दिया है, और दूसरा है गुलाम हसन मीर जिसने 65 पॉइंट अभी तक दिया है। मैंने आज तक 70 पॉइंट अभी तक दिया है। मैं यूथ को बोलता हूँ, जितने भी यूथ है हमारे यहाँ पर है वो आए हमारे साथ कोऑपरेट करें, ये लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग वो भी हैं, माँ है बहन है, जिसके पास कोई भी ब्लड नहीं होता है अवेलेबल। यहाँ पर जो LD अस्पताल हमने देखा है, बराबर 10 साल मैं उधर रहा, बीबी आती थी बेड पर छोड़ती थी तो भाग जाते थे ये, फिर हम भी उनको बुलेट देते थे, हर कोई मसला क्लियर करता है। हम सर ये मेरे पास आए थे शबीर हुसैन खान 2002 में, ये मेरा दुकान था लाल चौक में, तो मैं ये मेरे पास आए, उसने बताया चलो हमारे साथ एकजाती करो। हमारा उस वक्त था ये तंजीम का नाम था ये अहले बैत तहरीन, हमने उसी से स्टार्ट किया है सर। जब शबीर साहब ने बताया अल्लाह की तरफ से ब्लड देना है चलो हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे बहुत से बंदे हैं, तकरीबन
400 बंदे हमारे पास है अभी। सर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लोग आए, ये अल्लाह की है, ये अल्लाह के लिए ये ब्लड देना पड़ता है सर।